हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा भिंडी की रेसिपी। बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आपको टेस्ट और इसका जो लुक है ना, बिल्कुल हलवाई जो पार्टी और शादियों में बनाते हैं ना, वही मिलने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी इजी और सिंपल सी रेसिपी पसंद आने वाली है। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, भरवा भिंडी बनाने के लिए हमने ले लिया है 400 ग्राम भिंडी। भिंडी को फ्रेंड्स हमने अच्छे से वॉश करके इसे हमने कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया है ताकि भिंडी ड्राई हो जाए। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसके हमने किनारों को कट करके इस तरह से बीच में कट मार्क लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे भिंडी को ना इस तरह से करके रेडी कर लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको 2 से 3 भिंडियाँ कट करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से ऊपर वाले और नीचे वाले का हमने पार्ट कट कर लेना है और बीच में नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ताज़ी भिंडी का यूज़ करें, इससे आपकी भरवा भिंडी अच्छी बनेगी। और अगर फ्रेंड्स आपके पास छोटी भिंडी नहीं है तो आप बड़ी भिंडी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके इसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो भी सीड्स है ना, उसको हम इस तरह से नाइफ की हेल्प से ना स्क्रैच करके निकाल लेंगे। इससे फ्रेंड्स क्या होगा ना कि इसमें जो भी आप स्टफिंग करेंगे ना, वो अच्छे से स्टफ़ होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसाला जो है ना अंदर जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें सारी भिंडी जो है ना वो रेडी करना है। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स आपको सेकंड भिंडी भी कट करके दिखा देते हैं। तो इसके हम दोनों साइड के किनारे पार्ट को कट कर लिए हैं और इस तरह से नाइफ की हेल्प से बीच में हम इसमें कट मार्क लगा लेंगे और इसके सीड्स को हम निकाल लेंगे। तो कुछ भिंडी में फ्रेंड्स ज़्यादा सीड्स होते हैं, कुछ भी बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सारे भिंडी जो है ना कट करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी भिंडी तो रेडी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गैस पर हमने रख दिया एक पैन और यहाँ पे हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 1/2 कप बेसन ऐड कर दिया है पैन में और गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, इतना कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और हल्की सी इसमें खुशबू आने लगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो हमने फ्रेंड्स इस तरह से ना लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इस तरह से लगातार चलाते हुए रोस्ट किया है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बेसन की जगह ना सत्तू का भी यूज़ कर सकते हो। जो चने का आटा होता है वो रोस्टेड होता है, आपको उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आप इंस्टेंट जो है स्टफिंग बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमारी बेसन जो है वो भुन गई है और इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बेसन को ना ठंडा कर लिया है और अब इसमें हम फ्रेंड्स कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स तीखा के लिए रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, साथ ही 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला और 1 टीस्पून ऐड करेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर। इसमें हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे फ्रेंड्स आमचूर पाउडर, इससे भिंडी थोड़ी सी चटपटी बनेगी और साथ ही टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स हम लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसको हमने कूट करके लिया है दरदरा, आप चाहें तो इसे बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारे जो मसाले में टेस्ट आएगा ना, बहुत ही बढ़िया आएगा और ये मसालों को अच्छे से बाइंड भी करेगा। तो पहले हम इसको स्पून की हेल्प से फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑयल वगैरह इसमें यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, हमने सारी चीज़ों को स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे फ्रेंड्स हम हाथों से मिक्स करेंगे। जो इसमें हमने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है फ्रेंड्स, उससे ही हमारा ये जो मसाला है अच्छे से बाइंड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर इनकेस फ्रेंड्स आपका ये मसाला जो है अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, पाउडरी फॉर्म में है थोड़ा, तो आप इसमें पानी के थोड़े से छींटे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मसाला जो है ये भी रेडी हो गया है स्टफिंग के लिए। तो अब इस तरह से फ्रेंड्स हम भिंडी में ना इस तरह से मसाले ऐड करेंगे और अच्छे से इसे फील कर लेंगे। तो बाइंड हो जाता है फ्रेंड्स मसाले ना, तो भिंडी में इजीली फील हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ना भिंडी के अंदर सारे मसाले फील करेंगे और सारे भिंडी हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर भिंडी में आप कम मसाला खाना पसंद करते हो तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कम स्टफिंग कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम सारे भिंडियों को अच्छे से फील कर लेंगे और सारी भिंडी इस तरह से फील करके रेडी कर लेंगे। तो फील करने के बाद थोड़ा सा इसे हम प्रेस कर देंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, ताकि इसका जो कटा हुआ पार्ट है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो सारी भिंडी फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने यहाँ पर फील करके रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हमारी स्टफिंग फ्रेंड्स 2 चम्मच के करीबन बच गया है, इसका हम यूज़ करेंगे कुकिंग में। तो फिर इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर हमारी सारी भिंडी जो है रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ फ्रेंड्स। गैस पर हमने रख दिया एक पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीबन कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम ऑयल में ये हमारी जो भरवा भिंडी है ना
बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, और वो भी बिल्कुल क्रिस्पी। तो हो सके तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नॉनस्टिक बर्तन का यूज़ करें, इससे फ्रेंड्स हमारी जो भिंडी है ना बहुत ही कम ऑयल में बनके तैयार होगा और वो भी बहुत क्रिस्पी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम सारे भिंडियों को ना पैन में लगा लिए हैं, और अभी से फ्रेंड्स हमें पूरा कवर नहीं करना है, हाफ कवर करके इसे कुक करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमारी भिंडी के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर ना आए और ये अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स बीच बीच में हम लीडर डाल करके भिंडियों को स्पून की हेल्प से पलटते हुए इसे कुक करेंगे ताकि इक्वल साइड से कुक हो जाए और अच्छे से क्रिस्प हमारी भिंडी तैयार हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम स्पून की हेल्प से इसे इक्वल साइड से पलटते हुए सेक लिया है और भिंडी पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स टाइम नहीं लगता है, तो 5 से 10 मिनट में फ्रेंड्स ये भिंडी जो है ना अच्छे से कुक हो जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी भिंडियाँ जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। बस फ्रेंड्स इसी स्टेज पर हमें इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जो हमारा भिंडी का मसाला बचा हुआ था तो सारी भिंडियों पर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इससे हमारी फ्रेंड्स जो भिंडी है ना बहुत ही कुरकुरी बनेगी। और अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम 1 से 2 चम्मच के करीबन ना पानी ऐड करेंगे, तो हम इसके किनारे पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, बीच में नहीं डालना है। और इसे अच्छे से एक बार हम स्टर कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो मसाले थे फ्रेंड्स वो भिंडियों में अच्छे से कोट हो गए हैं और भिंडी भी फ्रेंड्स अच्छे से कुक हो गई है, क्रिस्प हो गई है। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट्स के लिए कुक कर लिया था, अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। और सारे मसाले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं भिंडी में अच्छे से स्टफ है। तो यहाँ पर हमारी भरवा भिंडी रेडी है फ्रेंड्स, इसे गर्मा गर्म आप रोटी चावल के साथ सर्व करिए, खाने में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ही चटपटा लगता है। तो फ्रेंड्स जिस तरह से हलवाई बनाते हैं शादी और पार्टियों में ना, बिल्कुल आपको वही भिंडी का टेस्ट और लुक मिलने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एक क्रिस्पी भरवा भिंडी की रेसिपी पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी एक आसान सी रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।